दोस्तों आज की वीडियो में जो है बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है लगातार थोड़े मैचेस हार रही है और ये जो है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए प्लेऑफ से पहले बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। चेन्नई की टीम को जो है शेन वॉटसन का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उनके जो वजह से जो है चेन्नई को एक बेहतरीन स्टार्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर आप सभी चेन्नई के फैन हो तो वीडियो को जो है अभी से एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्रिकेट की बातचीत करना पसंद है तो नीचे जो है बटन दिया है सब्सक्राइब का, उसको याद से दबा दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर शेन वॉटसन की। दोस्तों जो चेन्नई की टीम है उन्होंने वॉटसन को पूरा 14 के 14 मैचेस यानी कि जितने भी आईपीएल के लीग मैचेस है उसके अंदर मौका दिया। सिर्फ एक ही पारी में वॉटसन ने बनाए 96 रन, उसके बाद जो है वॉटसन एक भी पारी में नहीं चले। कम्प्लीटली ये साल जो है शेन वॉटसन फ्लॉप रहे। दोस्तों ऐसे में जो है चेन्नई के पास मुरली विजय एक विकल्प है जो कि अपने पहले ही मुकाबले में छाप छोड़े थे, बहुत ही अच्छा खेल रहे थे मुरली विजय। यहाँ पर जो है धोनी को देखना पड़ेगा कि जो उनका प्लेऑफ का मुकाबला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट मैच में जो है अगर शेन वॉटसन कहीं दुर्भाग्यवश दोबारा से जल्दी आउट हो गए तो जो दबाव है चेन्नई के बैट्समैन पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ऐसे में जो है मेरे हिसाब से चेन्नई की टीम को शेन वॉटसन को बाहर बिठा के मुरली विजय को मौका देना चाहिए। और दोस्तों ये साल जो है चेन्नई की गेंदबाजी भी उतनी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। जो चेन्नई के जो डेथ ओवर है वहाँ पे जो है ड्वेन ब्रावो को ज़्यादा विकेट नहीं मिल पा रहे हैं। दीपक चहर से जो है चेन्नई की टीम को डेथ ओवर में गेंदबाजी करनी पड़ रही है। चेन्नई के लिए अच्छी खबर ये है कि जो चेन्नई की टीम है वो अपना क्वालिफायर वन अपने घर पे खेलेगी, तो अपने घर पे जो है चेन्नई की टीम को हरा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर चेन्नई की टीम दुर्भाग्यवश वो मैच हारती है तब जो है चेन्नई की टीम को एक और दोबारा से मौका मिलेगा, लेकिन चेन्नई की टीम चाहेगी कि क्वालिफायर वन को जीता जाए और डायरेक्ट से जो है आईपीएल 2019 के फाइनल में एंट्री किया जाए। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से जो है चेन्नई की टीम पंजाब के हाथों में हारी है यहाँ पर जो है चेन्नई के ओपनर शेन वॉटसन बिल्कुल ही फ्लॉप रहे। चेन्नई की जो गेंदबाजी थी वो जो है हल्की फुल्की थोड़ी सी एक्सपोज कर दी पंजाब की टीम ने, लेकिन यहाँ पर जो है चेन्नई का मुकाबला होने वाला है चेन्नई के स्टेडियम में जहाँ पर जो है हरभजन सिंह, इमरान ताहिर, मिचेल सैंटनर, जडेजा जितने भी अच्छे स्पिनर्स है वो चेन्नई के लिए पूरा काम कर देंगे। तो चेन्नई के लिए जो है बहुत बड़ा फायदा होने वाला है उनके क्वालिफायर वन में। अभी देखते हैं क्वालिफायर वन में कौन सी टीम आती है, दिल्ली आती है या फिर आती है मुंबई इंडियंस, ये जो है थोड़े समय मालूम पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है चेन्नई को सोचना पड़ेगा शेन वॉटसन के बारे में। आप सभी के हिसाब से क्या शेन वॉटसन को चेन्नई को ड्रॉप करना चाहिए या फिर उनको और मौके देना चाहिए? अपने सभी विचार बताओ नीचे कमेंट करके। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।